अरविंद केजरीवाल की सरकार दुनिया की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। दिल्ली विधानसभा का इजलास लगातार हंगामे की भेट चाड़िया। अज फिर इस दौरान हंगामा देखने को मिला, जिस तरह भाजपा केजरीवाल सरकार खिलाफ हमलावर नजर आ रही है, उस तो इंज लगता है कि यह इजलास परवान नहीं चढ़ेगा। इजलास के पहले दिन जिथे भाजपा के विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर ते चेहरे ते मास्क पा के विधानसभा पहुंचे सन, उत्थे ही अज भाजपा विधायक सिरां ते कालियां पग्गां बन के पुजे। भाजपा विधायकों मुताबक ओह सब कुछ केजरीवाल सरकार के भ्रिष्टाचार के विरोध विच कर रहे ने। अरविंद केजरीवाल की सरकार दुनिया की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डीटीसी में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड में हुआ है। स्कूल्स में जो क्लासरूम्स बनाए जा रहे थे, सीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1,300 करोड़ रुपए का घोटाला उसमें भी हुआ है। बिजली सब्सिडी में 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्री श्री सत्येंद्र जैन पिछले 8 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया। उनको सैलरी तो दी जा रही है, जो भत्ते वो उनको दिए नहीं जा सकते, उनको भत्ते भी दिए जा रहे हैं। इसमें भी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। हम सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी की मांग आज विधानसभा के अंदर करेंगे। हमारे भाजपा के विधायकों ने भ्रष्टाचार पर चर्चा मांगी है। हमारी चर्चा को दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरिएट ने स्वीकार कर लिया है। हम सदन में चर्चा ये करना चाहते हैं कि जो दिल्ली सबसे भ्रष्टतम सरकार केजरीवाल जी की बन गई है, चाहे वाटर सप्लाई का घोटाला हो, आबकारी का घोटाला हो, स्कूलों में कमरे बनाने का घोटाला हो, मजदूरों के जो सेस हैं उस तक के अंदर जो घोटाला हो, मंत्री जेल में पड़े हुए तनख्वाह ले रहे हैं, पर्क ले रहे हैं, तो आज चारों तरफ जो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर दिल्ली में पहुंच गया है, उसको उजागर करने के लिए आज हम सदन में केजरीवाल और केजरीवाल की सरकार का पर्दाफाश करने के लिए आज हम जा रहे हैं और उनका पर्दाफाश करेंगे, जिससे कि इनका काला चेहरा दिल्ली की जनता को दिखाई दे। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर उन पे स्वयं भ्रष्टाचार के सारे आरोप लग रहे हैं, आज दिल्ली के सारे अखबार और मीडिया जगत में सब जगह भ्रष्टाचार का मामला हुआ है। लोगों को ये काली पगड़ी विधानसभा के अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल करने दिया जाएगा, क्यों नहीं करने दिया जाएगा। हमने कोई गलत काम थोड़ा ना कर रखा, हम कोई बम लटका के थोड़ा ना जा रहे, पगड़ी तो बांध रखी है और पगड़ी तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है, इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं। अब चर्चा करना न करने देना ये स्पीकर के हाथ में।